Hello students. My name is Siddharth Jain, Assistant Professor from Rajki Engineering College, Manpuri. We will continue our uh, lecture series of Quantity Estimation and uh, Construction Management. This is fifth lecture. Uh, we will understand about the type of estimation in this lecture. Okay. Uh, before understanding the type of uh, types of estimation, we have to understand about some, some terms, estimation terms. Okay. टाइप्स ऑफ एस्टिशन पढ़ने से पहले हमको थोड़े से टर्म्स देखने पड़ेंगे जो एस्टिमेशन से रिलेटेड होते हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन समझने के लिए ज़रूरी होते हैं ठीक है सबसे पहले हमारे पास टर्म आते हैं सबसे पहले चीज़ आती है प्लॉट एरिया हमें एरिया समझने होंगे किस एरिया में कंस्ट्रक्शन होता है किस एरिया को हम इस्टीमेशन में इंक्लूड करते हैं किस चीज़ को हटाते हैं ओके और किस कंस्ट्रक्शन में जब एस्टिमेट करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो किस एरिया को हटाना होता है किस एरिया को इंक्लूड करना होता है या किस एरिया को हमें एस्टिमेशन में लाना होता है तो सबसे पहले बात करते हैं प्लॉट एरिया की प्लॉट एरिया सिंपल वो एरिया होता है जो हमारी लैंड है जिस लैंड में हमें कंस्ट्रक्शन करना है वो नहीं हमें लैंड खरीदी हुई है ओवरऑल लैंड उसको बोलते हैं प्लॉट एरिया ओके देन आता है प्लिंथ एरिया प्लिंथ एरिया प्लिंथ एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर एक्चुअल में हमको कंस्ट्रक्शन काम करना है जहाँ हमें घर बनाना है हम जरूरी नहीं कि पूरे प्लॉट एरिया में सारे प्लॉट एरिया में ही घर बनाए हमें उन जगह पे कंस्ट्रक्शन करना होता है कुछ जगह को छोड़ देना होता है फॉर सेफ्टी रीजन्स फॉर अदर रीजन्स सो द प्लेंथरिया एरिया जहाँ पर हमको कंस्ट्रक्शन करना है उस लैंड का कुछ पार्ट या थोड़ा ज़्यादा पार्ट कुछ एरिया को छोड़ के जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है ठीक हम फिगर से समझेंगे सारी चीज़ों को अब प्रिंथ एरिया में भी हम काफ़ी चीज़ों को कुछ चीज़ों को हटाते हैं कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेशन ठीक हम प्रिंथ एरिया में सभी चीज़ एरिया को प्रिंथ एरिया नहीं मानते हैं कुछ चीज़ों को हटाना ही पड़ता है जो मेन स्ट्रक्चर से अलग हो ओके प्लथ एरिया ओके तो किस चीज़ों को हटाते हैं हम या किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं प्लिन एरिया में हम प्लिंथ एरिया में एरिया ऑफ वॉल्स को इंक्लूड करते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ वॉल्स द एरिया जो वॉल जो वो एरिया हम प्ला हम देखो जो प्लॉट एरिया पड़ रहा है प्लंथ एरिया पड़ रहा है ये सारी सारे एरिया हम प्लान ले प्लान लेवल के विषय से पड़ रहे हैं हम प्लान देखेंगे सभी का प्लान से जो एरिया निकलेगा उसको इंक्लूड एक्लूड करेंगे हम सभी के प्लान बनाएंगे जैसे हमने जो प्लान प्लॉट एरिया बनाया दिस इज़ अ प्लान फॉर अ प्लॉट एरिया से दिस इज अ दिस इज अ टेन मीटर दिस इज फाइव मीटर दिस इज ओवरऑल एरिया ऑफ अ लैंड व्हिच इज कॉल्ड एज ए प्लॉट एरिया जो हमने ओन किया है खरीदा है यहाँ पर हमारे पास है अब हम इस में से जितने एरिया में कंस्ट्रक्शन करेंगे उस एरिया को प्लेन्थ एरिया बोलेंगे लेकिन कुछ चीज़ों को हटा भी सकते हैं जैसे वो चीज़ जो हमारे एक पूरे ओवल स्ट्रक्चर से अलग बनेगा उसका फाउंडेशन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहता है हमारे जो रहने वाले एरिया है उसके थोड़ा सा तो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं हम प्लेन्थ एरिया से क्यों करते हैं क्योंकि तो वो दूसरी चीज़ है उसका एस्टिमेशन दूसरी तरीके से होता है अलग तरीके से होता है अलग वे से होता है ठीक तो हम ये दिस इज़ प्लॉट एरिया दिस इज कॉल्ड एज ए प्लॉट एरिया दिस इज ओवरऑल इज ए प्लॉट एरिया हम लिख देते हैं यहाँ पे प्लॉट एरिया दिस इज प्लॉट एरिया अब हम इस एरिया में जितने एरिया में जितने एरिया में हम अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मान लीजिए हम बाउंड्री पर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दे रहे हैं आगे थोड़ी ज्यादा छोड़ दे रहे हो और इतने एरिया में हम केवल अपना कंस्ट्रक्शन वार्के कर रहे हैं तो इस एरिया को हम प्लिंत एरिया कहेंगे लेकिन हम इसमें से कुछ चीज़ों को हटाएंगे जो मेन स्ट्रक्चर से अलग बनती है या मेन स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई नहीं होती हैं उससे पहले हटाने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं जो इसमें इंक्लूड करते हैं जैसे प्रिंट एरिया में एरिया ऑफ वॉल्स इंक्लूड करते हैं एरिया वॉल्स यानी कि ये जो वॉल्स हमारे पास जा रही हैं इंटरनल वॉल्स जो भी जा रही हैं इन सारी वॉल्स का जो ऊपर से प्लान एरिया दिख रहा है दिस इज ए थिकनेस जिस ए लेंथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एरिया निकलेगा उसको इंक्लूड करते हैं तो एरिया ऑफ वॉल्स हम इंक्लूड करेंगे में प्लिथ एरिया में सेकेंड थिंग जो पोर्च होता है हमारे पास विथ सपोर्ट अब पोर्च क्या होता है पोर्ट्स यानी कि जो मेन डोर होता है उसके आगे थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है फॉर द पार्किंग फॉर द सेटिंग पर्पज उसको हम पोर्स एरिया बोलते हैं अब पोर्स एरिया विद द सपोर्ट पोर्स एरिया एक रूफ दी जाती है उसमें हम सपोर्ट दे सकते हैं कॉलम दे सकते हैं तो उसको इंक्लूड करेंगे या फिर कैंटिलीवर दे सकते हैं इस कैंटिलीवर पोर्शन को कैंटिलीवर पोर्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। उसको हम हटा देते हैं तो पोर्स एरिया को हम विध सपोर्ट को हम अपने प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करें क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर हमारे प्लिंथ एरिया से जुड़ा हुआ है ओके धैन इसी डी डक्ट हम निकालते हैं अपने घर में ए सी के ए सी लगाते हैं तब तो उसको इंक्लूड करते हैं लिफ्ट रूम को इंक्लूड करते हैं जो लिफ्ट हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द मेगा स्ट्रक्चर और बड़े स्ट्रक्चर में जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं उसके लिए हम लिफ्ट रूम इंक्लूड करते हैं अब किस चीज़ों को हटाते हैं वो भी समझ लेते हैं तो हम कुछ चीज़ों को हटाते भी हैं कुछ चीज़ों को हटाते हैं जैसे कोर्ट याड कोर्टयार्ड जहाँ पे एक बगीचा टाइप का दे दिया थोड़ा सा जहाँ बैठते हैं सभी लोग वो अपने मेन स्ट्रक्चर से मेन जो स्ट्रक्चर होता है उसको अलग होता है जिससे कोर्टयार्ड बोल देते हैं तो उस कोर्टयार्ड को हम अपने स्ट्रक्चर से हटा देते हैं ओके तो इंटरनल साफ्ट कोई साफ्ट दी गई हुई जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया टू मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो ये टू मीटर स्क्वायर काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है जो हमारे घर में जो एरिया है उसमें दिक्कत देगा रहने देने या सामान में तो उस एरिया को हम अपने प्लिंथ एरिया में हटा देते हैं ओके तीसरा आता है स्पायरल स्टेयर केस स्पायरल स्टेयर केस वो केसेस होती हैं जहाँ पर हमारा घर की जगह कम होती है या हमको टेम्परे स्टेचर केस देनी होती है ये स्टील की बनती है तो इसको स्ट्रक्चर से अलग रखा जाता है तो इसको हम प्लिंथ एरिया में नहीं इंक्लूड करते हैं ठीक है प्लिथ एरिया द एरिया जहाँ पर हम अपना कंस्ट्रक्शन काम करते हैं विद द लेवल ऑफ पिंथ उसको प्लिन एरिया बोलते हैं प्लिथ एरिया में कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जैसे एरिया ऑफ वॉल पोर्ट्स विद सपोर्ट्स ए सी लिफ्ट रूम और किस चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं वो है हमारे पास कोर्ट एंड इंटरनेशल स्टेट केसेस ना अदर कुछ टर्म समझते हैं एक आता है कारपेट एरिया ओके है तो कारपेट एरिया एरिया विच इज़ यूज फॉर द सेटिंग लाइंग ओके जो हमारे पास अल्टीमेटली जहाँ हम सोते हैं बैठते हैं उस एरिया को कारपेट कहते हैं जैसे हमारा बेडरूम ड्राइंग रूम जहाँ जहाँ पर हम डाइनिंग रूम जहाँ पर बैठते हैं बातें करते हैं सोते हैं उस एरिया को यूजेबल एरिया उस एरिया को हम कारपेट एरिया कहते हैं ओके okay? दूसरा आता है फ्लोर एरिया फ्लोर एरिया एरिया वो एरिया होता है जिसमें हम एरिया ऑफ वॉल्स को हटा देते हैं हम प्लिंथ एरिया में एरिया ऑफ वॉल्स को कंसीडर करते थे थिकनेस ऑफ द वाल एंड लेंथ मल्टीप्लाई करते थे जो एरिया निकलते थे उसको इंक्लूड करते थे लेकिन जो फ्लोर एरिया में हम उसको हटा देते हैं एक्चुअल में फ्लोर एरिया बताता है क्या है फ्लोर एरिया वो चीज़ बताती है जो एक्चुअल स्पेस हमारे घर पर बचता है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारे पास कॉलम वॉल्स का एरिया रहता है तो उस एरिया को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि तो वो तो वॉल्स का है तो उस एक्चुअल एरिया जिसको हम यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ के कारण तो उसको हम फ्लोर एरिया बोलते हैं अल्टीमेटली ये कैसे निकलता है जो प्लिंथ एरिया हमारे पास आ रहा है उसमें हम एरिया वॉल्स को माइनस कर देंगे तो जो एरिया बचेगा हमारे पास वो फ्लोर एरिया कहलाएगा ओके अब सेट एरिया सेट एरिया हम कुछ एरिया छोड़ देते हैं अपने घर के आगे जिसमें हम आगे जिसमें हम घर के अंदर और बाहर जा सकें वो इजी मूवमेंट फॉर वो फॉर इजी मूवमेंट हम घर में कर सकें और वेंटिलेशन परपज के लिए हम कुछ एरिया छोड़ देते हैं जिससे हवा और रोशनी आती रहे उसको बोलते हैं सेटवेक एरिया ठीक ये डिपेंड किस पे करता है ये डिपेंड करता है प्लिंथ एरिया पे जरूरी नहीं कि हर हाँ जगह दिया जाए जहाँ प्लिंथ एरिया हमारे पास ऊँचा है प्लिंथ प्लिंथ पर और जो जो क्लमसी एरिया है जहाँ पर बहुत सारी भीड़ उभरती है जोन पर डिपेंड भी करता है सेटवेक एरिया कितना छोड़ना है कितना नहीं छोड़ना है देन सर्कुलेशन एरिया वो एरिया जहां पर हम चलते हैं जहाँ से आना जाना बना रहता है उसको सर्कुलेशन एरिया बोलते हैं जैसे स्टेयर हो गया गैलरीज हो गई बरंडा हो गया पैसेज हो गया लिफ्ट हो गया जिस जिसमें मेनली काम होता है, रहता है क्योंकि वहां पर लोड भी ज्यादा होगा तो लोड होने के कारण तो उस उस एरिया को जहाँ से हम जनली पास करते हैं तो उसको सर्कुलेशन एरिया बोलते हैं हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इन चीज़ों का एस्टिमेशन में यूज होता है इसीलिए पढ़ रहे हैं तो एरिया सर्कुलेशन एरिया क्या है वो एरिया जो यूज होता है मूवमेंट के लिए अंदर और बाहर जाने के लिए जो सर्कुलेशन एरिया बोलते हैं से बरामदा पैसेज गैलरीज लिफ्ट स्टेयरकेस एटसेट्रा ओके okay? नाउ अब हमने कुछ एरियाज के बारे में समझ लिए हैं अब हम एस्टीमेशन कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स के बारे में और समझ लेते हैं जैसे लमसम कॉस्ट एंड लमसम आइटम्स अब लमसम कॉस्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं हम किसी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि आपको ये ये एक घर बनाना है तो वो बोलता है कि सर इतना इतना लमसम आपका पैसा लग जाएगा अब लमसम एरिया क्या है लमसम पैसा क्या है लमसम एक अंदाज़ा फिक्स अमाउंट बोल सकते हैं एक अंदाजा अमाउंट बोल सकते हैं जो एक्चुअल अमाउंट से थोड़ा सा अलग हो सकता है ठीक है लमसम अमाउंट बोल सकते हैं कि इतना पैसा हमारा द लाइट के लिए लग सकता है इलेक्ट्रिक में इतना पैसा लग जाएगा वाटर के लिए इतना पैसा लग जाएगा वो लमसम अमाउंट बोल देते हैं कि इतना पूरे कंस्ट्रक्शन के इतना परसेंटेज पैसा लग रहा है वो लमसम अमाउंट है ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है ये वेरी कर सकता है एक रेंज पर ये बढ़ भी सकता है एक्चुअल से ये कम भी हो सकता है ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से लमसम मान रहे हैं ये हम निकालते कैसे हैं ये निकलता है एक्सपीरियंस से जितने कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं उस कंस्ट्रक्शन में हम देखें कि वहाँ कंस्ट्रक्शन में इस पर्टिकुलर थिंग के लिए कितना पैसा लगा तो वो लमसम अमाउंट हो गया और उसी उतना पैसा दूसरी जगह भी लग सकता है तो वो लमसम अमाउंट बोल देते हैं ये हम करते हैं टेम्प्रेरी या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के लिए जो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में समझेंगे तो लमसम कॉस्ट क्या जो एक्चुअल कॉस्ट से अलग हो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा या किसी के द्वारा अंदाजे से बनाई गई उसको बोलते हैं लमसम कॉस्ट ठीक अब लमसम आइटम जो आइटम जो लमसम बोल सकते हैं हर किसी को हम लमसम नहीं बोल सकते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज को ही हम बोल सकते हैं और किसी चीज की यहां फिक्स वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी तो कुछ चीजों की जिस चीजों के लमसम अमाउंट हम बता सकते हैं उसे बोलते हैं लमसम आइटम तो जनरली जो कंस्ट्रक्शन यूज होता है छोटा कंस्ट्रक्शन वहां पर लमसम अमाउंट हम कुछ लमसम आइटम कुछ डिफाइन कर देते हैं तो लमसम अमाउंट की रेंज हमारे पास लिखी हुई है हम समझ लेते हैं पहला लगता है कि वर्क चार्ज स्टेब्लिशमेंट चार्ज जब कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके लिए हमें कुछ कुछ इस्टैब्लिशमेंट करनी होती है कुछ टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाने होते हैं जिससे हमारा काम चलता रहे तो उस वर्क चार इस्टेब्लिशमेंट में जिसमें जनरली जो जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर के अलावा जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपनी मीटिंग्स वगैरह बैठते हैं उसको बोलते हैं वर्क इस्टैब्लिशमेंट तो वर्क फॉर वर्क वर्कैब्लिशमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन हमारा वन 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 हाफ से टू परसेंट होता है वन पॉइंट फाइव परसेंट से टू पॉइंट टू परसेंट तक क्या परसेंटेज टोटल कॉस्ट का दिस इज फॉर टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का हमारे पास होता है उसी तरीके से कंटीजेंसी कंटीजेंसीज वो अमाउंट होता है जब हो सकता है कहीं कहीं पे हमारा जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा कम कि, किसी अमाउंट किसी चीज़ में हो जा रहा है हमने माना था कि किसी के लिए कम पैसे दस लाख रुपए माने मांग बहुत ज़्यादा हो गया तो उस ज़्यादा के लिए कुछ अमाउंट रखना पड़ता है या कोई कोई पर्टिकुलर थिंग जो कोई बीम या कॉलम में कोई चीज़ हमारी बिगड़ जाती है उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्स करना पड़ता है तो उसके लिए हमें अमाउंट और चाहिए तो उसको पहले से ही हम एस्टिमेट में इंक्लूड करते हैं इसको बोलते हैं कंटेंजेंसी अमाउंट तो इसको हम अपने हम अपने बजट में अपने एस्टिमेट में थ्री से फाइव परसेंट रखते हैं और टोटल अमाउंट में टोटल अमाउंट का कंटेंजेंसी चार्ज बोलते हैं ओके तीसरा आता है इलेक्ट्रिफिकेशन जो इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है जो वायर्स लिछाए जाते हैं जो होल्डर्स बल्ब लगाए जाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में उस इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज को भी हम एक परसेंटेज में रखते थे लमसम में आठ परसेंट के हिसाब से देन आता है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इन वाटर सप्लाई जो हमें कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए और बाद के लिए चाहिए उसको भी एट परसेंट के अराउंड ले लेते हैं और टूल्स एंड प्लांट्स हम कंस्ट्रक्शन के लिए टूल्स भी लेने पड़ेंगे जो जिस टूल से हमारा कंस्ट्रक्शन होगा कुछ प्लांट्स लगाने पड़ेंगे बैचिंग प्लांट मिक्सिंग प्लांट तो उन प्लांट्स के भी पैसे ये ये पैसे हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने उसमें वो होता है वन से वन पॉइंट फाइव परसेंटेज ठीक तो ये लमसम आइटम और लमसम कॉस्ट के बारे में समझा हमने जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में जनरली हम बनाते हैं जो हमें एक्सपीरियंस से पता पड़ता है कि इतना पैसा इसमें लगेगा हम देन अब कोई भी एस्टीमेट पास होता है किसी जगह से किसी इंडस्ट किसी डिपार्टमेंट से तो कुछ सेंसंस होते हैं कुछ परमिशंस हमें देनी पड़ती हैं कुछ लेनी पड़ती हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट तो वो परमिशंस तीन तरीके की होती है जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन टेक्निकल सेंक्शन एंड एक्सपेंडेशन सेंक्शन ओके तो इन सेक्शन होते हैं इन बारे में समझते हैं पहला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्सन सबसे सही से स्टार्ट होता है देन ये देन इसके बाद टेक्निकल देन एक्सपेंडिचर सबसे पहला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्सन ये क्या होता है हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं तो उसका कुछ एस्टिमेट बनाना होता है छोटा सा जिसको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बोलते हैं उस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को देख के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो किसी डिपार्टमेंट पे होता है वो देखता है कि हाँ इसके लायक हम कर सकते हैं ये ठीक ठाक है हमें जरूरत है इसकी इस प्रोजेक्ट की इस चीज़ की यहाँ पर नीड है तो उसको सेंक्शन कर देते हैं तो वो जो एक एक पास देता है एक अप्रूवल देता है एक फॉर्मल अप्रूवल देता है फॉर द फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सैक्शन अब नाम समझ में आ रहा है ये देता कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ही देता है फॉर द फॉर द प्रोजेक्ट देन देन टेक्निकल सेंक्शन अब जो एस्टीमेट बना है उसको टेक्निकल टीम जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में होती है वो देखेगी ये जो एस्टिमेट है वो सही है जो डिजाइन है प्रोजेक्ट की वो सही है वो सही बनी हुई है इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है आफ्टर जे सारे एस्टिमेट करने के बाद सारे डिजाइन देखने के बाद वो एनालिसिस करती है कि ये सही है गलत होती है तो सैक्शन नहीं देती है सही होती है तो आगे पास कर देती है और वो चली जाती है एक्सपेंडिचर सेक्शन पे ठीक ओके टेक्निकल सेक्शन क्या करता है डिजाइन और एस्टिमेट uh, को देखती है और उसको पता करती है वो सही है कि नहीं है उसको पास करती है इसको बोलते हैं हम टेक्निकल देन आता है एक्सपेन्डेशन सेक्शन एक्सपेन्डेशन से मतलब अब इन दोनों ने पास कर दिया है दोनों डिपार्टमेंट में अब पैसे वाली बात होगी जितना फंड आया है हमारे पास जो जो फाइनल एस्टिमेट बना है जो डिटेल एस्टिमेट करने के बाद जो पर्टिकुलर पैसे आया है अब वो डिपार्टमेंट देखिएगा कि इतना पैसे हमारे पास है उसके बाद इतना बजट होता है उतना पैसा होता है उतना खर्च कर सकता है तो वो पास कर देती है और कह देती है हाँ इस पैसे में काम हो सकता है देन वो आम कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट दे देती है वो स्टार्ट हो जाता है अपना काम करना ओके तो तीन तरीके की हमें सेंक्शन लेनी पड़ती है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए इसमें हमको दो तरीके के एस्टिमेट बनाने होते हैं जो हम टाइप ऑफ एस्टिमेट में पढ़ेंगे कौन कौन से एक होता है एक होता है तुम्हारा ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और दूसरा होता है डिटेल एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट स्टार्टिंग में बनाना पड़ता है लमसम कॉस्ट और बहुत सारी चीज़ें देख के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन देखता है यहाँ पर देखता है ये पास करता है उस पास के बाद हमको डिटेल एस्टिमेट बनाना पड़ता है और डिजाइन देनी पड़ती है टेक्निकल तो सेक्शन पास करता है इस टेक्निकल सेक्शन पास करने के बाद जो हमारी डिजाइन है जो हमारा एस्टिमेट है वो एक्सपेंडिचर सेक्शन के पास जाता है वो चेक करता है कि इतने जो है, इतना जो बजट है जितना एस्टिमेट आया है हमारे प्रोजेक्ट के लिए उतना पैसे हमारे पास हैं कि नहीं है। अगर उसके पास पैसे होते हैं तो वो उस पैसे को दे

तो कुछ कॉन्ट्रेक्टर गुण प्रॉफिट हम समझ लेते हैं क्योंकि वो जरूरी होता है हमारे एस्टिमेट के लिए जनरली जो का प्रॉफिट रहता है नॉर्मल वर्क के लिए वो होता है दस परसेंट के आसपास बट फॉर द लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन लार्ज कंस्ट्रक्शन द प्रॉफिट बिकम्स 8% परसेंट फॉर द स्मॉल जॉब कंस्ट्रक्शन द प्रॉफिट रिमेंस 15% परसेंट ज़्यादा कम क्यों क्योंकि लार्ज स्केल जॉब के लिए जो एस्टिमेशन होगा वो बड़ा होगा और बड़े के हिसाब से मतलब लार्ज अमाउंट होगा लार्ज अमाउंट के हिसाब से जो 8% अमाउंट निकलेगा वो भी ज्यादा होगा बट द स्मॉल कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट होगी इस्टिमेट की वो छोटी होगी और छोटी के हिसाब से पैसा उसको उतना ही चाहिए तो उसके लिए प्रॉफिट उसका बढ़ाना पड़ता है

अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाना है तो हम अप्रोक्सीमेट नाम लिखा है मतलब अप्रोक्सीमेशन से बनाते हैं ज़्यादा ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं क्यों बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेशर पास करेगा इसके लिए अगर पहले ही हम मेहनत कर लें तो मतलब नहीं है ठीक तो दो तरीके के होते हैं एक होता है अप्रोक्सीमेट और डिटेल हम आज अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में समझेंगे उसके टाइप के बारे में समझेंगे देन हम देन, देन डिटेल एस्टिमेट के बारे में जानेंगे ठीक है ना फ़र्स्ट समझते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है वो एस्टिमेट जो अप्रोक्सीमेटली बनाया जाए किसी चीज़ को देख के बनाया जाए और दूसरे कंस्ट्रक्शन देख के बनाया जाए किसी कोई एक लोकेलिटी एरिया होता है जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो उस लोकेलिटी एरिया में दूसरे कंस्ट्रक्शन किए गए हैं वो किस रेट पर किए गए हैं वो किस पैसे में किए गए हैं उस हिसाब से हमको अपने अपनी जगह का एस्टिमेट बनाना इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट अब ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं अप्रोक्सीमेट अंदाज से बनाए गए होते हैं अब अप्रॉक्सीमेट इस्टिमेट हो पहला टाइप होता है प्लिंथ एरिया इस्टिमेट ये क्या है अब हमें जो लोकेलिटी चूज़ की है जिस लोकेलिटी में हमको कंस्ट्रक्शन करना है उस लोकेलिटी में कुछ कंस्ट्रक्शन पहले से ही हो चुका होगा ठीक तो उस लोकेलिटी में जो कंस्ट्रक्शन हो चुका है वहाँ कंस्ट्रक्शन पर हम जाते हैं वहाँ पता करते हैं कि वहाँ पर क्या कितना पैसा लगाया है विद रिस्पेक्ट टू द प्लिंथ कि प्लिथ एरिया रेट क्या है माना कि हम हाँ उसमें जो प्लिंथ एरिया था उसका जो प्लिंथ एरिया जो अप्रोक्सीमेट प्लिंथ एरिया में कंस्ट्रक्शन किया गया उसमें कुछ पैसे लगे उस पैसे को उस एरिया से डिवाइड कर लिए गए जो रेट आ गई उस रेट के बिहाब पे अपने कंस्ट्रक्शन में हमने जो एस्टिमेट किया उसको बोलते हैं प्लिंथ एरिया एस्टिमेट ओके okay? तो लेकिन ये ये वैलिड नहीं है क्योंकि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में उसने किस क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है आप किस क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हो इस चीज़ पर डिफर कर जाता है तो ये एक अप टू लेवल तक सही नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं तो प्लें एरिया हम कह सकते है। okay? है। हैं प्लेंथ एरिया इज अ एरिया ऑफ अ लोकेलिटी मल्टीप्लाई बाय द रेट पर प्लेन्थ एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ दिस लोकलिटी ओके देन दूसरा जो एस्टिमेट आता है इन द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट वो होता है हमारे पास क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट द क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट क्यूबिकल कंटेंट इससे थोड़ा सा एडवांस है लेकिन इतना हद तक नहीं एडवांस है अब इस में एक चीज़ दिक्कत और होती है कि प्लेन थे पता नहीं हो पाता है कि कि अगर हमने कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं किसी किसी लोकेलिटी में दूसरी जगह देखा वहां पर जो प्लेन एरिया बनाया बट उसने सिंगल स्टोरी बनाई कि डबल स्टोरी बनाई उसने मान ली सिंगल स्टोरी बनाई और आप अपना एस्टिमेट जो आप बना रहे हो अपने कंस्ट्रक्शन के लिए वो डबल या ट्रिपल स्टोरी है तो आपका बजट ज्यादा चला जाएगा तो ये यहाँ पर चीज लैग कर जाती है यहाँ पर वो खत्म हो जाती है उस उस चीज़ को यहाँ पर क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट में सही कर लिया गया लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट में हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं लोकेलिटी में ही जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि क्यूबिकल वैल्यू कितनी है मतलब कि एक मीटर हाइट एक मीटर लेंथ एक मीटर वृथ्थ में कितना पैसा लगा हुआ है इससे ये समझ में आ जाता है कि अगर उसने वन फ्लोर बनाई है तो आप टू फ्लोर की कर सकते हो क्योंकि क्यूबिकल है बट यहाँ ड्रॉबैक ये है कि वो कुछ क्वालिटी का काम कर रहा है आप किस क्वालिटी का काम कर रहे हो ओके okay. जैसे क्यूबिकल कंटेंट मेथड में समझ लेते हैं कि मान लिया उसने एक सिंगल स्टोरी का बनाया ठीक उसका पैसा कुछ लगा एक्स रुपये लगा मान लिया तो हम दूसरी स्टोरी तो अपनी जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसी एरिया में लेकिन डबल स्टोरी कर रहे हैं तो क्यूबिकल कंटेंट के हिसाब से वो टू एक्स हो जाएगा क्योंकि हम क्यूबिकल कंटेंट निकाल रहे हैं लेकिन वो चीज़ प्रिंथ एरिया में हम नहीं कर सकते अब सिंपल उसी तरीके से क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट होगा वो इक्वल टू हो जाएगा क्यूबिकल कंटेंट जो हमारा आ रहा है मल्टीप्लाई बाय द क्यूबिकल कंटेंट रेट क्यूबिकल कंटेंट रेट और दैट लोकैलिटी ओके उस तरीके से हम निकाल सकते हैं तो दो तरीके के अप्रोक्सी अप्रोक्सीमेट में दो टाइप समझ लिए हैं आगे समझते हैं ठीक अब दो और मेथड होते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट uh, में पहला होता है uh, तीसरा होता है टिपिकल बे मेथड और फोर्थ होता है सर्विस यूनिट एस्टिमेट ये थोड़े से और सही कह सकते हैं लेकिन उतने सही नहीं है टिपिकल बे मेथड समझते हैं टिपिकल बे मेथड में समझ पहले से बे समझ लेते हैं बे क्या होता है तो बे द डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स हमारे पास ये स्ट्रक्चर है कोई लोकेलिटी में तो उसमें ये कॉलम्स है हमारे पास इसको थोड़ा सा सही करते हैं हमारे पास ये हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं सामने से देख रहे हैं ये बीम्स हैं ये कॉलम्स हैं तो दिस इज द बे ये जो दो कॉलम के बीच की जगह होती है उसको एक बोलते हैं तो ये वन बे हो गया दे दे टू बे हो गया दिस इज थर्ड बे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हमारा तीन बे का है तो हम पर बे के हिसाब से पैसा देख लेते हैं कि पर बे के हिसाब से उसने कितना एस्टिमेट बनाया गया है उसी हिसाब से हम अपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं कि नंबर ऑफ बेज कितने हैं और दूसरी उसी लोकलिटी में नंबर ऑफ बेज का रेट क्या है पर बे रेट क्या है उस रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपने हम एस्टिमेट कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन ये ठीक है लेकिन इसमें भी एक चीज़ क्वालिटी का हम नहीं कर सकते क्वालिटी की इंश्योर नहीं कर सकते तो वहाँ पर ये चली जाती है लेकिन ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के हिसाब से सही है देन लास्ट आता है सर्विस यूनिट एस्टिमेट द सर्विस यूनिट एस्टिमेट अब हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे हम अगर कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं कोई स्कूल बना रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे इसका एस्टिमेट अलग होता है कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं तो वहाँ पर कितनी सर्विस कर रहे हैं यानी कितने नंबर ऑफ बेड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं कोई एक स्कूल बना रहे हैं तो स्कूल में कितने नंबर ऑफ क्लासरूम कर रहे हैं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम एस्टिमेट करेंगे तो अगर हम किसी जगह पर सर्विस हम किसी जगह पर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो उस लोकेलिटी में कोई दूसरा हॉस्पिटल बना हुआ है कोई दूसरा हॉस्पिटल बना हुआ है उस हॉस्पिटल में कितने नंबर ऑफ बेड्स यूज किए गए हैं मान लिया वहाँ फिफ्टी नंबर ऑफ बेड्स यूज किए गए हैं तो पर बेड पे वहाँ उस हॉस्पिटल बनाने में कितना खर्चा हुआ देन हम बना रहे हैं हंड्रेड बेड्स का तो पर बेड का मल्टीप्लाई कर दिया गया हंड्रेड बेड्स में जो एस्टिमेट आया जो पैसा आया उसको बोल देते अपने एस्टिमेट अपना एस्टिमेट सर्विस यूनिट एस्टिमेट ओके तो सर्व उसी तरीके से हम अगर स्कूल की बात करते हैं स्कूल की बात करते हैं स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पढ़ रहे हैं पर स्टूडेंट्स पे कितना खर्चा आया वो स्कूल बनाने में और हम अपने स्कूल बना रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को बना रहे हैं तो पर स्टूडेंट पे जो खर्चा है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो अमाउंट आता है उसको बोल देते हैं कि हम वो सर्विस यूनिट एस्टिमेट है या फिर वो हमारे स्कूल के लिए एस्टिमेट बन गया तो हमने एक तरीके से टाइप ऑफ एस्टिमेट समझ लिए फॉर द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हम इसको एक दोबारा समझ लेते हैं चार तरीके के अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हमने पढ़े हैं पहला है प्लिन एरिया एस्टिमेट दूसरा है क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट तीसरा है टिपिकल वे और फोर्थ है सर्विस यूनिट एस्टिमेट ये चारों एस्टिमेट ठीक हैं अप्रोक्सीमेट के लिए बट सभी में ड्रॉबैक्स हैं तो हम इन चारों को करते हैं फॉर द अलग अलग पर्पज अगर कोई सिंगल स्टोरी है तो प्लिन एरिया देखेंगे बड़े ज़्यादा स्टोरी बनाने मल्टीपल तो क्यूबिकल देखेंगे सर्विस देखना है तो सर्विस देखेंगे और जो टिपिकल वे है तो वे देखेंगे लेकिन ये सारे जो मैथड्स वो अप्रोक्सीमेट में आते हैं और ये मेथड्स हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंशन को पास करने के लिए करते हैं उसके बाद हमको इस मेथड का यूज इस एस्टीमेट का यूज नहीं होता है हमारा पास हो गया है हमको चाहिए उसकी नीड है तो हम उस एस्टीमेट को कन्वर्ट करते हैं डिटेल एस्टीमेट में डिटेल एस्टीमेट को हम अगली क्लास में समझेंगे वो डिटेल स्टमेट कौन कौन टाइप के होते हैं उसमें एक क्वेश्चन भी देखेंगे हम इसी तरीके एक नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से होता है तो डिटेल एस्टिमेट में जाते हैं फिर वो टेक्निकल सेंसन पास करता है टेक्निकल कंक्शन पास करने के बाद टेक्निकल सेंशन देखता है कि उस डिज़ाइन में कुछ एस्टिमेट में कुछ दिक्कत नहीं तो नहीं है कुछ चीज़ रह गई है कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है क्योंकि अगर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बजट से ज़्यादा चल जाती है तो बाद में दिक्कत करती है अगर डिज़ाइन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है तो हमारे पास स्ट्रक्चर लॉस का परेशानी होती है तो हम टेक्निकल सेक्शन उसको देखती है देन एक्सपेंडिचर सेक्शन पर जाके वो पास हो जाती है और हमारी डिजाइन स्टार्ट हो जाती है और उसके तरीके से हमने अप्रोक्सीमेट इस्टिमेट समझा पाँच चार तरीके इस्टीमेट समझे है तो आ, इस तरीके समझा अब मैं एक बार दोबारा रिव्यू कर देता हूँ आपको सबसे so, so, पहले टर्म की बात कर लेते हैं हम लोगों ने प्लॉट एरिया समझा प्लॉट एरिया जो लैंड हमारे पास होती है उसको प्लॉट एरिया बोलते हैं प्लॉट एरिया बोलते हैं उस प्लॉट एरिया पे जिस एरिया पे हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको प्लिंथ एरिया बोलेंगे उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करते हैं ठीक है वो चीज़ इंक्लूड करते हैं जो हमारे स्ट्रक्चर में जुड़ी हुई हैं वो चीज़ एक्सक्लूड करते हैं जो स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग है ओके नाव फिर हमने कार्पेट एरिया समझा जो यूजेबल एरिया होता है जहाँ पर सोते हैं और लेटते हैं उसको कार्पेट एरिया बोलते हैं फ्लोर एरिया जो एक्चुअल एरिया जो हमको यूटिलाइज करना होता है उसको फ्लोर एरिया बोलते हैं जिसमें वॉल की थिकनेस सट जाती है सेटबैक एरिया कुछ एरिया को छोड़ देते हैं वेंटिलेशन के लिए और मूवमेंट के लिए उसको सेटबैक एरिया बोलते हैं सर्कुलेशन एरिया वो एरिया जहां पर हम अपना पैसेज करते हैं आते जाते हैं बैठते हैं और मूवली मूवमेंट ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं सर्कुलेशन एरिया दैन लमसम कॉस्ट कुछ कॉस्ट अंदाजे से बनाई दी जाती है किसी किसी पर्टिकुलर थिंग की फॉर कंस्ट्रक्शन उसको लमसम कॉस्ट बोलते हैं फॉर द और लमसम आइटम वो आइटम जो लमसम कॉस्ट से बिलोंग करते हैं उसको लमसम आइटम बोलते हैं तीन टाइप के सेक्शन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल एंड एक्सपेंडिचर तीनों टाइप के सेक्शन को कराने होते हैं फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड दस उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है वो होता है हमारा टेन परसेंटेज फॉर नॉर्मल लार्ज जॉब के लिए एट ऑफ और स्मॉल के लिए फिफ्टीन दो टाइप के एस्टिमेट होते हैं अप्रोक्सीमेट डिटेल हमने अप्रोक्सीमेट एस्टीम्यूट के बारे में आज समझा चार तरीके के एस्टिमेट अगली क्लास में हम डिटेल एस्टिमेट के बारे में समझेंगे और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करेंगे आज ही क्लास के लिए इतने ही थैंक यू